Hello everybody, my name is Nishant Chauhan and today we are discussing about the physics or we say calculus based physics. आज से पहले जितनी भी आपने physics पढ़ी होगी वो calculus based रहेगी, लेकिन अब जो आप physics पढ़ने वाले हैं वो आपकी calculus based होगी। इसके अलावा physics के course के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे Newtonian के बारे में, Newtonian physics के बारे में। Newtonian physics is the heart of the physics। और इसके अलावा fluid mechanics के बारे में जानेंगे, kinetic theory of physics के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और डिफरेंट डिफरेंट मॉडर्न वेव्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज फिजिक्स। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल रूल व्हिच वी ऑब्जर्व इन नेचर। मतलब क्या, जितनी भी चीज फिनोमेनास आपके नेचर में अकर हुए हैं उन सबको ऑब्जर्व करो और बुक इनपुट कर दो, या मैथमेटिक्स से होंगी वो सब, क्या आपका फिजिक्स है। इससे आगे बढ़ते हैं तो हम देखें कैसे आपका कि फिजिक्स की आपकी दो ब्रांचेस होती हैं, एक क्लासिकल फिजिक्स और एक क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना की स्टडी करते हैं। मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना मतलब क्या, ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल्स जो आपके 10^6 ऑर्डर के होते हैं वो आपके सब क्या होते हैं, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, जिनकी स्टडी हम क्लासिकल फिजिक्स के अंदर करते हैं। अगर बात करें हम क्वांटम फिजिक्स की, तो क्वांटम फिजिक्स क्या है, आपका माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना की स्टडी करना, मतलब ऐसे फिजिक्स जिसके अंदर हम डीलिंग किसके साथ करते हैं, माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना के साथ डीलिंग करते हैं। ये जो होते हैं आपके, ये आपके 10^-6 ऑर्डर के होते हैं माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना। तो आपने देखा क्या कि जो फिजिक्स की दो ब्रांचेस होती है, एक क्लासिकल फिजिक्स और एक क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स जिसके अंदर हम डील करते हैं किसके साथ में, माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना के साथ में, और जो क्वांटम फिजिक्स जिसके अंदर हम डील करते हैं किसके साथ में, माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना के साथ में। इससे आगे बढ़े तो हम देख लेंगे मेन सब डिसिप्लिन्स ऑफ फिजिक्स, कुछ ये डिसिप्लिन्स ऑफ फिजिक्स के जिनके हम स्टडी और भी करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स के अंदर डीलिंग करते हैं डील्स विद इक्विलिब्रियम एंड मोशन ऑफ द मटेरियल बॉडी, मतलब किसी भी मटेरियल बॉडी की इक्विलिब्रियम और उसकी मोशन की स्टडी कर जो करी जाती है वो किसके अंदर करी जाती है, मैकेनिक्स के अंदर करी जाती है। आगे बढ़ेंगे तो आगे आ रहा है आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है, बेसिकली ऑप्टिक्स जैसे नाम से पता है इसके अंदर लाइट से रिलेटेड स्टडी करते हैं, मतलब क्या लाइट के नेचर और उसके प्रोपगेशन की स्टडी की जाती है, उसके अंदर की जाती है ऑप्टिक्स अंदर की जाती है। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मींस टेम्परेचर, डायनेमिक्स मतलब उसका चेंज होना, टेम्परेचर का चेंज होना, या फिर हम कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कह लीजिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह लीजिए, मतलब एक ऐसा टॉपिक जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना की स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिक फिनोमेना कैसे कवर करोगे, चार्ज से रिलेटेड फिनोमेना, मैग्नेटिक फिनोमेना जो आपके मैग्नेट से रिलेटेड फिनोमेना है। ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड केवल मैग्नेट की वजह से अराइज होता है, मैग्नेटिक फील्ड आपका चार्ज की वजह से अराइज होता है। जब जब चार्ज फ्लो होता है तो करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो होता है तो चारों तरफ में क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। और याद रखेंगे हमेशा कि जो करंट की डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक डायरेक्शन के एक दूसरे आपस में क्या होती है, वो परपेंडिकुलर रहती है। आगे बढ़ें तो आगे बात करते हैं इसकी हम क्वांटम मैकेनिक्स। अभी अभी हमने देखा था क्या फिजिक्स की ब्रांच क्वांटम फिजिक्स, और हमने इसमें देखा कि फिजिक्स के साथ डील होने वाला माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना, मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ डील होती है। सेम कंडीशन यहां पर क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आप जो डील करेंगे किसके साथ मिलेंगे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ डीलिंग करेंगे। एंड लास्ट वन इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी इज द थ्योरी ऑफ इनवेरियंस इन नेचर, जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट नेचर होने वाले फिनोमेना जो है उनकी स्टडी करते हैं। स्टडी करने के लिए या फिर उनकी मोशंस की स्टडी करने के लिए वो सब किसके अंदर आता है, रिलेटिविटी के अंदर आता है। इससे आगे बढ़े तो हम बात करते हैं अगर फिजिक्स के स्कोप की, जैसे कि हम चैप्टर का फर्स्ट पढ़ रहे हैं 10th क्लास का फिजिकल वर्ड, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा स्कोपिंग फिजिक्स। तो फिजिक्स का स्कोप बहुत है, तो हर क्षेत्र में आपकी फिजिक्स है। फिजिक्स आपकी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, बायोलॉजी से रिलेटेड है, जियोलॉजी से भी रिलेटेड है, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, मतलब क्या हर सब्जेक्ट से फिजिक्स रिलेटेड है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने सबसे पहले जो आपको डेफिनेशन बोली थी वो डेफिनेशन ये बोली थी फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल व्यू विच वी ऑब्जर्व इन नेचर, मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल व्यू जो हम नेचर में ऑब्जर्व करते हैं। और नेचर से जब हम जिस चीज का स्टडी या जिस चीज का ऑब्जर्वेशन नेचर से कर रहे हैं तो नेचर से जुड़ी हुई हर चीज क्या है आपकी, फिजिक्स है। आगे अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी बात कही
चाहे वो आप फिजिक्स से रिलेटेड समझ लीजिए, चाहे वो आपके वर्ल्ड से रिलेटेड समझ लीजिए, उन्होंने बोला द मोस्ट इनकम्प्रेंसिबल थिंग इन अवर वर्ल्ड इज दैट इट इज कम्प्रेंसिबल। मतलब क्या हुआ इसका कि हमारे पूरे संसार में ना समझने योग्य बात वह है जो समझने योग्य है। बात तो थोड़ी अटपटी है लेकिन जो एक लाइन है ये काफी कुछ कह जाती है। इससे आगे बात करते हैं तो हमारा जो है फिजिक्स के रिलेशन या फिर अगर टॉपिक वाइज देखें तो जो नेक्स्ट टॉपिक आता है फिजिकल वर्ल्ड के अंदर वो आता है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। क्या होते हैं फंडामेंटल फोर्सेस उसे हम देखते हैं वन बाय वन देखेंगे। देखिए क्योंकि हमने अभी अभी देखा क्या कि जो आपकी ब्रांच फिजिक्स की वो दो तरीके की है, एक तो क्लासिकल है और एक क्वांटम है। क्लासिकल आपकी मैक्रोस्कोपिक बेस पे है और क्वांटम आपकी माइक्रोस्कोपिक बेस पे है। सिमिलरली मैक्रोस्कोपिक बेस पर और आपका माइक्रोस्कोपिक बेस पर आपके फंडामेंटल लॉस को बेस्ट कर सकते हैं। फंडामेंटल सबसे पहले बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो मैक्रोस्कोपिक बेस पर आपके दो टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। पहला आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है ग्रेविटेशन फोर्स, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स की। तो ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में हमें न्यूटन ने बताया था। न्यूटन ने कहा कि कोई से भी दो मासिव ऑब्जेक्ट्स उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा और वही फोर्स क्या करेगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम एग्जांपल की बेस पे बात करें तो देखिए ध्यान से, सपोज दो बॉडीज हैं, एक का मास क्या है आपका m1, एक का मास क्या है आपका m2, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं। तो दोनों मासिव ऑब्जेक्ट हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वही फोर्स क्या होगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूटन ने बताया इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स इनके मास के प्रोडक्ट और इनकी बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं इन दोनों चीजों को कंबाइन करूं तो क्या आएगा f प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और जब भी कोई प्रोपोर्शनल साइन रहता है तो हम क्या करें कांस्टेंट, यहां पर भी कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट होगा आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट जिसे हम कैपिटल g से डिनोट करेंगे। यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है जी का, जो आपके दो टाइप के जी होते हैं, एक स्मॉल जी और एक कैपिटल जी। स्मॉल जी तो होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और जो आपका कैपिटल जी होता है वो होता है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो हमने क्या देखा दो मास ऑब्जेक्ट, एक का मास m1 एक का मास m2, दोनों के डिस्टेंस पर हैं, r डिस्टेंस पर हैं, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स उन दोनों मास के प्रोडक्ट m1 m2 और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दोनों को कंबाइन करा f प्रोपोर्शनल m1 m2 / r स्क्वायर। जब जब प्रोपोर्शन जनरेट होता है तो कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट क्या है आपका g कैपिटल g, दैट इज f इक्वल टू g m1 m2 / r स्क्वायर। इसके बाद अगर बात करें हम दूसरी किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए अगर बात करें देखो जिस प्रकार से ग्रेविटेशन फोर्स को न्यूटन ने डिस्क्राइब करा इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फोर्स को आपका कूलॉम ने डिस्क्राइब करा। कूलॉम ने क्या कहा वो हम देखें, देखिए कूलॉम ने जो बताया वो बेसिकली ये बताया कि अगर आपके पास दो चार्ज पार्टिकल, एक का चार्ज कितना है q1, एक का चार्ज कितना है q2 और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है r, सबसे पहले चीज याद रखिए तो कूलॉम फोर्स की बेस पे बताइए कि ये जो कूलॉम फोर्स है आपका केवल केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, लार्ज चार्जेस के लिए वैलिड नहीं है, केवल इसके लिए पॉइंट चार्ज के लिए। तो उन्होंने बताया कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स है वो इनके चार्ज के प्रोडक्ट दैट इज q1 * q2 और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दैट मींस f प्रोपोर्शनल q1 q2 / r स्क्वायर। जब जब प्रोपोर्शन में रहता है तो क्या होता है कांस्टेंट, दैट मींस f इक्वल 1 / 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 / r स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक कूलॉम फोर्स। यूनिट किसने डिस्क्राइब करा, किसने बताया इसके बारे में, कूलॉम ने बताया। क्या बताया कि अगर दो चार्जेस हैं q1 और q2 दोनों एक दूसरे से
किसके प्रोपोर्शनल होगा, q1 into q2 के, और किस उनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों को कंबाइन करो तो f प्रोपोर्शनल q1 q2 upon r स्क्वायर, और अगर प्रोपोर्शनल लाइन लेगा तो कौन सा लेगा, वो जवाब आपका 1/4πε0 q1 q2 upon r स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका एक्टिव फोर्स। अगर आगे बात करें, ये तो दिया आपने कौन से मैक्रोस्कोपिक बेस पर फंडामेंटल फोर्स, जो आपने क्या देखे ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक बेस पर। अगर माइक्रोस्कोपिक बेस पर बात करें तो दो तरीके के होते हैं, एक तो आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और दूसरे आपके वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, एक ऐसा फोर्स जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखे, द फोर्स विच बाइंड्स द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसके अलावा अगर हम वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करें, एक ऐसा फोर्स जो केवल और केवल एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में लगे, वो कौन सा फोर्स होगा आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। मतलब क्या होगा, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रख रहे हैं तो वो फोर्स कौन सा है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, और अगर वो किसके बीच में है केवल एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में है तो वो फोर्स कौन सा है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स है। इससे आगे बढ़ सकते हैं, ये आपके दोनों तरीके के फोर्सेस हो गए। वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए हम क्या कह सकते हैं, जैसे बीटा डीकी न्यूक्लियस। इससे आगे जो आपका चैप्टर है फिगर वर्ड, उससे नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो उन्हें हम देखते हैं मैडम, अगर इससे आगे जो आपका है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा आपका, देखिए लॉज ऑफ कंजर्वेशन। फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकेंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, थर्ड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फोर्थ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए जैसे कि आपने देखा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो मीनिंग क्या है कंजर्वेशन का, उसकी बात करते हैं। तो कंजर्वेशन का मीनिंग है कांस्टेंट। अगर मैं कहूं कि कंजर्वेशन ऑफ दिस क्वांटिटी, दैट मींस दिस क्वांटिटी इज कांस्टेंट आइदर इट्स इनिशियली और इट्स फाइनली। दैट मींस अगर हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट विल चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सिमिलरली अगर बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, मतलब क्या, जिस कंडीशन में जो आपका फोर्स अप्लाइड है वो क्या होगा जीरो होगा, उस केस में उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा बराबर रहेगा, मतलब मोमेंटम क्या रहेगा आपका पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट रहेगा। आगे बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, जिस तरीके से लीनियर मोमेंटम में एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट था तो एंगुलर मोमेंटम में एक्सटर्नल टॉर्क कांस्टेंट रहेगा। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज रिमेंस कांस्टेंट। एंड द लास्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज या हम कैसे कह सकते हैं, टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, मतलब क्या, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो आपका टोटल चार्ज रहेगा वो क्या होगा आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने चैप्टर पर फिजिकल वर्ड का एक्सप्लेनेशन करा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आपका किसी एग्जाम में पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर को हम एज एन इंडेक्स समझ सकते हैं, मतलब के लिए क्या हुआ, इस चैप्टर में जो टॉपिक है वो आप 11th क्लास में डिस्क्रिप्शन में आगे जब पढ़ोगे तो देखेंगे उसे। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा फिजिकल वर्ड के अंदर, सबसे पहले हमने जाना उसमें मीनिंग को, फिजिक्स के मीनिंग को, फिर हमने ब्रांचेस के बारे में जाना, दो तरीके की ब्रांचेस थी आपकी, एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पर डिपेंड करती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर डिपेंड करती है। मैक्रोस्कोपिक लेवल पर डिपेंड करती है कौन सी थी, एक ब्रांच थी आपकी क्लासिकल, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर डिपेंड करती है कौन सी थी आपकी क्वांटम। उसके बाद में आपने मेन सब पार्टिकल्स एंड ऑप्टिक्स थर्मोडायनेमिक्स
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इन सब के बारे में जाना, रिलेटिविटी के बारे में जाना, उससे आगे बढ़िया फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में जाना, वो आपके मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर डिपेंड करेंगे थे। मैक्रोस्कोपिक लेवल पर आपने दो देखे, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आपने दो देखे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। एंड द लास्ट वन इज आपने क्या देखा, लॉज ऑफ कंजर्वेशन, जिसमें आपने लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये सब हमारी एकेडमी रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं www.sankalpnishant.com sankalpnishant। ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर, हमसे आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, आपकी जो भी न्यूमेरिकल रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा विजिटिंग कार्ड है वो आप देख सकते हैं, और इस पर लिखी हुई सारी इंफॉर्मेशन आप फेसबुक पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू। हॉस्पिटल